हेलो दोस्तों, एक से बढ़कर एक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब जानते हैं पेड़ हरे होते हैं, पर हमने पतझड़ के मौसम में पेड़ के पत्तों को अपना रंग बदलते भी देखा है। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि पतझड़ के मौसम में पत्तों का रंग क्यों बदल जाता है और पेड़ से पत्ते क्यों झड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पत्तों का रंग क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है, क्योंकि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि सूरज की रोशनी से भोजन बनाने में मदद करता है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल की मुख्य भूमिका होने की वजह से ही इसकी मात्रा पत्तों में ज़्यादा होती है, पर इसके अलावा पौधों में कैरोटीनाइड्स नाम का भी पिगमेंट होता है जिसका रंग नारंगी होता है, और एंथोसायनिन्स नाम का भी पिगमेंट होता है जिसका रंग लाल और गुलाबी होता है। पर क्योंकि क्लोरोफिल की प्रचुरता होने की वजह से ये रंग कभी दिखाई नहीं देते हैं। पर जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे ठंडी का मौसम आता है, दिन छोटा होता जाता है और सूरज जल्दी ढलने लगता है, जिससे पेड़ पौधों को पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती और वो अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे क्लोरोफिल किसी काम का नहीं रह जाता। तब पेड़ आवश्यक पोषक तत्वों के साथ क्लोरोफिल को अपने तनों में संचित कर लेता है, और क्योंकि पत्तों में क्लोरोफिल नहीं बचता, इसलिए दोनों पिगमेंट मतलब कैरोटीनाइड्स और एंथोसायनिन्स का रंग धीरे धीरे नजर आने लगता है। क्योंकि ठंडी के दिनों में पानी जम जाता है, तब पेड़ों को फोटोसिंथेसिस के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से पत्तों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। और क्योंकि पेड़ का बहुत सारा पानी पत्तियों के छिद्रों से वाष्पित हो जाता है, इसलिए पेड़ अपने पानी को संरक्षित करने के लिए पत्तों को गिरा देते हैं और गर्मी के मौसम का इंतजार करते हैं। फिर गर्मियों के दिनों में अपने पत्ते फिर से उगा लेते हैं, जो कि वसंत ऋतु में लहलाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक जानकारी मिलती रहे। बाय।